क्या आपको पता है सुसमाचार प्रचार करना यानी इवेंजलिज्म करना आपकी बुलाहट ही नहीं मगर भारत देश के नागरिक होने के नाते ये आपका हक भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत देश के नागरिक होने के नाते सुसमाचार प्रचार करना या इवेंजलिज्म करना आपका कानूनी हक है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंट्री तीन तरीकों से चलती है। पहला, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक कंट्रीज में लोगों की सुन के सबका भला हो, ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं और वो उस देश की जनता पे लागू होते हैं। इन रूल्स के संग्रह को संविधान यानी इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा, तानाशाही, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। इन देशों में एक आदमी जो उनका नेता या प्रेसिडेंट हो, उसी की मर्जी से कानून और नियम बनाए जाते हैं और उनको लोगों पे थोप दिया जाता है। और आखिरी है धर्मतंत्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं थियोक्रेसी या हायरोक्रेसी। इन देशों में धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक विश्वासों के आधार पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और सारी जनता को उनको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो उस धर्म या धर्म ग्रंथ को माने या ना माने। सौभाग्य से हमारा प्यारा देश डेमोक्रेटिक यानी एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान आपको आपके धर्म और आपके विचारों को मानने और प्रोपोगेट करने यानी बांटने को अलाउ करता है। केवल भारत ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये अलाउड होता है। उसी की वजह से हमारे यहाँ के इस्कॉन मिशन्स या कोई भी हिंदू धर्म गुरु किसी भी लोकतांत्रिक देश में जाके भारत के धर्म यानी सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और अगर उनको वहाँ कोई रोके टोके डराए धमकाए तो ये असंवैधानिक यानी अनडेमोक्रेटिक एक्ट कहलाता है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। क्या आपको पता है 1948 में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था और सारे धर्मों को साथ लेके चलने के लिए रूल्स बनाए जा रहे थे तो क्रिश्चियंस के लिए ही खास आर्टिकल 25 लिखा गया था, क्योंकि क्रिश्चियंस का परम कर्तव्य है अपने विश्वास को औरों के साथ बांटना, इसके सिवाय क्रिश्चियनिटी अधूरी है। तो भैया अभी तक क्या समझे? मार्केटिंग एंड प्रोपगेशन इज अलाउड, फोर्स इज नॉट। प्रचार करो लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगली बार जब प्रचार करने बाहर निकलो तो हमेशा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 की कॉपी साथ लेके चलो, ताकि अगर कोई आपको रोके या टोके तो प्यार से उन्हें समझाते हुए वो कॉपी उनको दे दे। और कोई आपको पुलिस के पास ले जाने की चेतावनी देता है तो डरिए नहीं, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जय मसीह, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।